नितिन गडकरी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि G20 और उसके इर्द गिर्द बहुत चर्चा देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 के आयोजन से देश को क्या फायदा होगा, देश का मान कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और हमारा नंबर अभी 5वें नंबर पर है और मोदी जी का ये सपना है कि हम तीसरे नंबर पर जाएं। G20 के जो देश है उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और मुझे उसमें शरीक होने का सौभाग्य मिला। स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, जिसमें रोड नेटवर्क है, एविएशन है, वाटरवेज है, रेलवेज है, इसमें हम इतने तेजी से बदल रहे हैं और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ डेवलप हो रही है और कुछ चीज़ें हम लोग वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी ले रहे हैं। हमारे जैसे वंदे मातरम ट्रेन आई, विशेष रूप से हमारे एयरपोर्ट कितने बड़े प्रमाण पर बढ़े, रेलवे की स्पीड बढ़ी, एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे G20 के देशों में बहुत से देशों के लिए उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। यूरोपियन देशों की 12% है, अमेरिका में 12% है, चाइना में 8 से 10% है, हमारी 16% है। अब हमने उन सब से जो इंटरेक्शन हुआ उससे हम भी सिंगल डिजिट में आना चाहते हैं। हम फ्यूल में बदलाव कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक ट्रक से लेकर अलग अलग नई नई बातों को लोगों के साथ सही। यूरोप में वो केबल पर बस चलती है, अभी मैं जयपुर से दिल्ली वो केबल पर बस के टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग देशों के साथ उनके विकास के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है और विशेष रूप से भारत जिस तेज़ी से आगे जा रहा है तो उन लोगों को भी आकर्षण है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका सबका फायदा होगा। और आपस में बातचीत करने से एक निश्चित रूप से एक बात महसूस होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत जिस प्रकार से प्रगति और विकास कर रहा है, जिस गति से कर रहा है, उसके प्रति सबके मन में एक बहुत बड़ा आकर्षण है और G20 में आए हुए देश भी हमको देख रहे हैं और हम उनको देखकर उनसे क्या लेने लायक है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे पास कैसे अपनाएं। गतिशक्ति योजना आपकी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्योंकि यहाँ G20 के आयोजन के बाद से सर वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चुनावों का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क निर्माण, हाईवेज, कौन से ऐसे काम हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो अन्य G20 के मुल्कों से हम तुलना करें भारत उन पैमाने पर कहाँ खड़ा है? देखिए, हमारे देश में टोटल 65 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क जो है वो टोटल नेटवर्क की तुलना में 2.6% था, अब 4% हुआ है और 40% देश का ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर है। पर मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोड बना रहे हैं, आप जोजिला टनल जाइए, 12,000 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, हमने 5,000 करोड़ बचाए। हम माजोली आइलैंड में जाइए, वहाँ ब्रिज बना रहे, 6,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, हमने 680 करोड़ में बनाया। आप दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाइए, अभी रतलाम तक अभी जल्दी इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। आप कोई भी रोड पर जाइए, किसी भी अरुणाचल जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा जाइए और आप बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के सपोर्टर को मत पूछिए, आप ड्राइवर को पूछिए, आप सामान्य व्यक्तियों को पूछिए, हर व्यक्ति जवाब देगा। केवल दिल्ली के आजू बाजू में मेरा विभाग 65,000 करोड़ रुपये के रोड बना रहा है और उसमें से काफ़ी काम लगभग पूरे होते हुए आएंगे, अभी दिसंबर तक हो जाएंगे। दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से खुलेगा कब सर वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे? अभी रतलाम तक का, वैसे मुंबई के नज़दीक का काम होने 12 घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली? हाँ। कब शुरू होगा? साधारणतः जनवरी फरवरी तक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा क्या, क्योंकि सभी मंत्रालयों में अभी होड़ मची हुई है, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भी वहां पर जनवरी का महीना तय किया जा रहा है चुनाव से पहले, आपके मंत्रालय की तरफ से कौन सबसे बड़ा इनॉग्रेशन आप कराएंगे? नहीं, आपको और एक बात बता दूं, पहली बार टूरिज्म के लिए हम राम सर्किट बना रहे 24,000 करोड़ का,
हमने भगवान गौतम बुद्ध का सर्किट पूरा बना लिया है 22,000 करोड़ का। हम अब मथुरा का भी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंडरपुर देव आलंदी वो पालखी मार्ग 12,000 करोड़ का बनाया। चार धाम 12,000 करोड़ का लगभग 75% पूरा किया। अब पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड 90% पूरा हुआ। आपको अभी नेपाल और चाइना जाने की जरूरत नहीं है, अब इधर से जाएंगे। तो हर जगह पर आप कहीं भी जाइए आपको परिवर्तन ही मिलेगा। आपके मंत्रालय से सबसे बड़ा उद्घाटन कौन सा होने वाला है चुनावों के पहले? अब सही बताओ तो मैंने अभी तक इसका विचार ही नहीं किया। हर प्रोजेक्ट बड़ा है और मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट में अभी अमृतसर से भावनगर ये जामनगर ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा, एक कोई 30,000-40,000। अभी मैं एक नया रोड बना रहा हूँ कि जो आपको एक ही सैंपल बताता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी हम भाषण में बोलते थे, ये जो रोड है ये शुरू होगा मनाली से। रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, आप अटल टनल बनिए आप 8 मिनट में जाओगे। अटल टनल से बाहर आने के बाद हम 5 टनल बना रहे हैं, तो हम आएंगे लद्दाख लेह में। लद्दाख लेह का रोड पूरा अच्छा बना रहे हैं, ये पूरा रोड अच्छा बना रहे हैं। वहाँ से आकर हम जोजिला टनल बना रहे हैं कारगिल के नीचे, जिसका 70% काम पूरा हुआ है। 12,000 करोड़ की टनल एस्टिमेट कॉस्ट थी, हमने 5,000 करोड़ बचाए। ये टनल से आप बाहर निकल के झेड़मोर टनल आएंगे, झेड़मोर टनल से निकल कर श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, 14 बन गई है। और कटरा के पहले राइट हैंड पलट कर हम दिल्ली कटरा रोड पर आएंगे, और वहाँ से दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट ये UR2 भी हम बना रहे हैं, और उसके बाद में ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक जाएंगे, और एक नया रोड बना रहे ग्रीन रोड सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर। अब साउथ जाने के लिए अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं, और सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरा साउथ का ट्रैफिक जो उत्तर से निकलेगा वो पूरा कन्याकुमारी तक जाएगा, और ये एक्सिस कंट्रोल रोड होगा। तो पहली बार देश की सभी, आप आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, त्रिपुरा, और सबसे अच्छी बात G20 के लिए उपलब्ध, हम म्यांमार के लिए रोड बना रहे हैं, हम बांग्लादेश के लिए रोड बना रहे हैं, हम भूटान के लिए रोड बना रहे हैं, हम नेपाल को 4 जगह 5 जगह जोड़ने के लिए रोड बना रहे हैं। तो हमने हमारे यहाँ के भी जो हमारे नज़दीकी फ्रेंडली राष्ट्र है उनके साथ भी हमने रोड बनाने का काम पूरा किया। आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और आप बार बार ये दम भर रहे हैं कि मैंने खर्च कम किया है, लेकिन 10 अगस्त को CAG की एक रिपोर्ट जो देश की संसद में टेबल की गई उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर ये कहा गया है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की लागत के लिए अनुमति दी थी उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च कर दिया NHAI ने। ये सबसे बड़ा घोटाला है ये विपक्ष कह रहा है। आपने सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। मूलतः ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है ये 29 किलोमीटर का है ये डिस्टेंस। ये हाईवे को जो हमको अनुमति मिली, हमने जो कैबिनेट नोट भेजी थी उसमें नोट में लिखा था कि हम 5,000 किलोमीटर 2-लेन पेव शोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 होंगी, और उसमें से रिंग रोड और फ्लाईओवर की कॉस्ट एस्टिमेट DPR बनने के बाद तय करेंगे। ये नोट में लिखा था जो CAG ने देखा। तो उन्होंने कहा 18.5 किलोमीटर जो है इसको आपने 250 करोड़ खर्चा किया। अब सबसे पहले मैं बताऊं द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियाँ होती है शिवमूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है, और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट थी हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर जो CAG के हिसाब से। और हमारा पहला पैकेज 5 बिडर थे, 9% नीचे गया। दूसरा पैकेज 4 बिडर थे, 4.8% ज़्यादा गया। तीसरा पैकेज 12 बिडर थे, -25% 24/7% नीचे गया। पैकेज 4 8 बिडर थे, -8.1% हुआ। और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2-लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वो 230 किलोमीटर है,
इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने सीएजी के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा, तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है और टू लेन प्योर शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो सीएजी ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर, और दो लेन की तो 19 करोड़ आती है। और इसमें भी हमने 12% बचाया है। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आज तक आपने सब कुछ देखा होगा, आप लोग एक बार देखने के लिए आइए। इस प्रोजेक्ट में पहली बार देश में सिंगल पियर पर 8 लेन एलिवेटेड रोड है, पहली बार भारत का पहला 4 लेवल का इंटरचेंज इसमें है, ऐसे दो है, हाँ इसमें 3 स्तरीय इंटरचेंज भी 3 है। 3.6 किलोमीटर की 8 लेन सुरंग है जो नीचे में पूरा रोड बनाई, जो विमान उतरता है ना हवाई जहाज, उसके बाजू में पूरे नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, उसमें फ्लाईओवर। और इसके साथ हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए ये एयर स्ट्रिप के नीचे से 2.4 किलोमीटर है, T3 पे आएगी और उधर वसंत विहार में जाएंगे। तो ये टनल वगैरह पकड़ के तो इसकी कॉस्ट तो सीएजी ने हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए। और ये तो बहुत जाती है, ये पहले उन्होंने केवल 2 लेन प्योर शोल्डर पकड़ा था, तो अब तो लेकिन रिपोर्ट टेबल हो गई। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसको समझता है किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जिनको राजनीति करनी है वो बोल सकते हैं, लेकिन सीएजी तो राजनीति नहीं कर रहा। नहीं, सीएजी को जो मैंने कहा कि 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर, वो हिसाब पकड़ा। और एक्चुअल रोड द्वारका एक्सप्रेस से 563 किलोमीटर सिंगल लेन, यानी डबल लेन हो गया 231 किलोमीटर। अब उन्होंने जो 29 किलोमीटर पकड़ा और हमने 231 किलोमीटर किया, तो कॉस्ट में फर्क है। हमारी कॉस्ट थी 206 करोड़ और हमने 12% लोअर जाके वो हुआ है, उसमें टनल है और इसमें सीएजी ने टनल नहीं पकड़ी थी। 6 किलोमीटर तो टनल है, इसमें फ्लाईओवर है, 3-3 मंजिलों की एक्सचेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूं, पर मैं आपको आज बता रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा। 3-4 महीने, हाँ। और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, तो जैसे मुझे मुंबई में लोग, अभी तो मैं मुंबई भूल गया हूँ, पर वर्ली बांद्रा सी लिंक के कारण और 55 फ्लाईओवर के कारण मुंबई नहीं भूली, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है, पत्रकार भी जाइए, उसके ऊपर कार्यक्रम करिए। और हमारी कोई भी गलती होगी तो कोई संकोच न करते हुए पूरा, आप जितने हमको ठोकना है उतना ठोकने की अनुमति आपको, कोई एक रुपये की भी गड़बड़ होगी आप जो कहेंगे वो आपके सजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, पर्यावरण, और वो G20 का भी फोकस रहता है। ई व्हीकल्स पर आपने जोर दिया, कैसे प्लांट वेस्ट को सड़कों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन सब पर आपका जोर है। इथेनॉल के बारे में आप बोलते हैं, लेकिन कहाँ पहुँचा है? अभी भी ई व्हीकल्स बहुत महंगे हैं। चार्जिंग पॉइंट का, अगर मैं सोचूं कि मुझे हाईवे पर निकलना है, चार्जिंग स्टेशन का है सर, चार्ज कहाँ करेंगे? बहुत खुशी हुई कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आज से 7 साल पहले इसी होटल में आपने कुछ प्रश्न मुझे पूछे थे और प्रश्न यही पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद होगी तो क्या करना पड़ेगा। अभी देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी की वेटिंग लिस्ट लगी है, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मर्सिडीज, BMW, सबके लिए। अभी मर्सिडीज का मैंने लॉन्च किया, उन्होंने निर्णय किया कि इसके बाद इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे। सर दाम कितना है? देखो, एक पहली बात आपकी सही है कि जब ई व्हीकल शुरू हुआ तो लिथियम आयन की बैटरी $150 पर किलोवाट थी, अब वो $115 पर किलोवाट आई है और जल्दी जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वो $100 पर किलोवाट आएगी, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की कीमत एक होगी। और मैं आपको आज बताता हूँ, आप अगर पेट्रोल के गाड़ी पर महीने में अगर
30,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपये है, तो 28,000 रुपये महीने की बचत है। मैं अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया हूँ, मेरी गाड़ी कभी बंद नहीं हुई और कभी एक भी गाड़ी, मैं इतने लोगों को पूछता हूँ जो सवाल आपने मुझे पूछा था, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कितना गए आप? हाँ, आपकी एक बात सही है कि दिल्ली से मुंबई अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाओगे तो चार्जिंग के लिए प्रॉब्लम है। तो NHAI की तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं, 170 में काम शुरू हो गया है, उसमें हेलीपोर्ट है, उसमें चार्जिंग स्टेशंस है, CNG, LNG, इथेनॉल मिलेगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे और आने वाले 1.5-2 साल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिल्ली से जयपुर रोड पर आपका चार्जिंग होगा, दिल्ली से मुंबई तक भी चार्जिंग होगा, वो अड़चन नहीं आएगी। 1.5-2 साल मतलब आप 24 पे भी अभी से ही दावा कर रहे हैं PM की तरह? देखिए एक चीज़ याद रखना, आप नाराज मत होना, मेरे को मैं जो बोलता हूँ वो पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार तैयार नहीं हुआ कि मैंने कोई झूठा वादा किया। मैं कोई झूठ बात करूँगा नहीं और जो करूँगा वो डंके की चोट पर करूँगा और मेरे पूरे इंटरव्यू निकाल लेना, उसका स्क्रीनिंग कर लेना और जो बात मैंने पूरी नहीं की होगी उस बात के लिए ज़रूर मुझे सवाल पूछना। मैं जो होगा वही कहूँगा और जो किया है वही कहूँगा। नहीं मैं तो ये पूछ रही थी सर कि 24 के चुनाव में, अब तो 6 महीने में चुनाव है। मैं चुनाव देख कर काम नहीं करता। अच्छा वो ऑटो मोड में फिर चलेगा? नहीं वो चलते ही रहता है, मुझे बताओ आप, मैं रोड की एडवर्टाइजमेंट करूँ क्या? 65,000 करोड़ के रोड दिल्ली के आजू बाजू बना रहा हूँ, अब कितने लोगों को मालूम है? मेरा कोई PR नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता। जो रोड बनते वही सब पब्लिसिटी करते हैं। अभी कितने लोग मुझे मिलते हैं हवाई जहाज पर, एक मैं अभी मुंबई जा रहा था, एक यंग लड़का टॉय पहन के ये विस्तारा के फ्लाइट में मेरे पैर छुआ, तो मैंने बोला ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले साहब मैं NCLT तक चला गया था, मेरा दिवाला पिट चुका था, द्वारका एक्सप्रेस वे के बाजू में मेरी ज़मीन थी, अब मैं 5,000 करोड़ का मालिक बना हूँ आपके कारण, आपने हाईवे बनाया। ऐसे कितने लोग हैं कि जो करोड़ों रुपए कमा रहे, पूरे रियल इस्टेट ये इधर की द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में जो हरियाणा को रोड जाते हैं, अब ये दिल्ली का UR2 मैंने बना, आप ज़रूर जाइए। आप पानीपत से जब आएगी पेरीफेरल रोड से तो एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं, अभी ये जो रोड बना है मैंने UR2 पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड के बाद 15 मिनट में एयरपोर्ट T3 15 मिनट में, 2 घंटे का और 15 मिनट, ये पूरा जो धौला कुआ का जो ये रोड का ट्रैफिक है ये आधा हो जाएगा। तो दिल्ली में पोल्यूशन कम करना चाहिए, दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करना चाहिए। और मैं आपको जो बात बताता हूँ, मैं 1 मैन आर्मी जैसा बार बार कहता था, परली जलाते लोग, अब पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्लान डाला है, परली से 1,00,000 लीटर इथेनॉल बनता है और पहले 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे थे, अब परली से बायो एविएशन फ्यूल बना रहे जो हवाई जहाज में जाएगी। अब परली जलेगी नहीं, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ उसका, 135 प्लांट अभी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश देश में शुरू हो रहे जो परली से CNG और LNG बना रहे, वेस्ट टू वेल्थ। और अभी इतना ही नहीं तो परली से बिटुमिन तैयार होता है। और मैंने सबसे अच्छा काम कोई किया तो दिल्ली में कचरे की टेकड़ियाँ हैं, 30,00,000 टन दिल्ली का कचरा ये UR2 के अंदर हमने डालने का काम किया और दिल्ली को कचरे से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, गाज़ीपुर में भी बहुत बड़ा कूड़े का वो भी हम एक्चुअली मेरठ के समय डाल रहे थे, थोड़ा वो सेग्रीगेशन कौन करेगा इस पर चर्चा होती रही, वो निकल नहीं पाए, नहीं तो वो पूरी टेकड़ी ख़त्म हो जाती है अभी तक। तो अब शुरू कर दीजिए सर उस पर, अब रोड हो गया। अगला विषय जिस पर मैं आना चाहती हूँ, G20 को लेकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंत्रालय है आपका रोड और हाईवेज का, क्या फ़ायदा होगा जब ये हम विकसित देशों को भी देखते हैं, विकासशील देश भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैसे आदान प्रदान होगा कुछ? देखिए अभी जैसे हमने उनसे बात की, रोड साइनेज मार्किंग हम बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड सब बुलाए और हमारे साइनेज हमारी मार्किंग अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने हमको कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन देशों में कैसा है रोड सेफ्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, 10,00,000 करोड़ का बजट दिया है और हमारे यहाँ BOT हाइब्रिड एन्यूटी इनवेट मॉडल तो हमको, और बाहर से भी पैसा खड़ा कर रहे हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो। और मैंने आपको बताया कि 24N के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिका के बराबर। हाँ जी बिल्कुल, जिम्मेदारी के 24 में 24 एंड में 24 के अंत तक। हाँ।
2047 में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक विकसित देश बन जाएंगे, वो आपकी मिनिस्ट्री कैसे जा रही है? हाई स्पीड पे जा रही है? 2047 तक वो कह रहे हैं विकसित देश बन जाएगा भारत। देखो, निश्चित रूप से बनेंगे। अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें 13.5 से 14 करोड़ लोग जो गरीब रेखा के नीचे थे वो लोअर मिडिल क्लास में आए हैं। देश बदल रहा है। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, मेरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं मंत्री हूँ, मेरे विभाग में ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। इस इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। ये इंडस्ट्री भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST देती है। अब इस इंडस्ट्री को हमने 3 साल पहले तय किया था कि हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे, और आपको आश्चर्य लगेगा कि आज हमारा नंबर, मैंने जब मंत्री बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पे थे, बाद में अभी हम 4थे नंबर पे थे, और अभी 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले 3-4 साल के अंदर आज जैसे 1ले नंबर पर चाइना है, 2रे नंबर पर USA है, 3रे नंबर पर इंडिया है, 4थे नंबर पर जापान है। पर मेरा विश्वास है कि 3-4 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर पहुँचेगा। यही मोदी जी का सपना है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अब ये हीरो, बजाज, TVS 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से ट्रैक्टर, ये सब कंपनी एक्सपोर्ट होती है, हमारे ट्रक एक्सपोर्ट होते हैं। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आएगा। अभी मैं दिल्ली से जयपुर वो केबल पर बस चला रहा हूँ, एयर कंडीशन बस, बढ़िया कंफर्ट वाली, और टिकट रेट 30% कम होगा, और 2.25 घंटे में 2.5 घंटे में जयपुर जाएंगे केबल बस। हाँ, वो इलेक्ट्रिक पर चलेगी। क्या है कि लिथियम आयन बैटरी के बस की कीमत 1.25 करोड़ है, और ये बस में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत छोटे 5-8 किलोमीटर की बैटरी चाहिए, तो इसकी कॉस्ट 50-60 लाख रुपए है। तो नेचुरली कैपिटल कॉस्ट कम होने के कारण और बिजली सस्ती होने के कारण टिकट रेट 30% कम होंगे, और सब लोग एयर कंडीशन बस में इलेक्ट्रिक में बैठकर जाएंगे। पूरे यूरोप में यही बस है, वो ट्राम जैसी है। ट्राम को लोहे का चक्का है, यहाँ रबर का टायर है, बस इतना ही फर्क है। अगला सवाल, अब मैं कुछ राजनीतिक सवालों पर आना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने लद्दाख में कहा है कि जो मंत्री है मोदी सरकार में वो नहीं चला रहे अपना अपना मंत्रालय, RSS के लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया गया है हर संस्था में, और वही OSD बनकर या कुछ बनकर सर, तो आप अपना मंत्रालय चला रहे हैं या आप तो वैसे ही नागपुर के हैं? मैं RSS को भी जानता हूँ, ये इतना हास्यास्पद आरोप है। न कोई RSS का आदमी है, न कोई मार्गदर्शन है, न कोई जबरदस्ती है, न कोई चर्चा है, ये 100% गलत बात है। हाँ, मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ। RSS इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, BJP आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मुझे काम करने का पूरा स्वातंत्र है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, निर्णय घोषित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं क्या किसी को पूछने के लिए थोड़े जा रहा हूँ? ये पूरी तरह ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है इस प्रकार के आरोप करना। मैं ये समझ सकता हूँ कि विपक्ष में विरोध करना पड़ता है, विरोध में बातें करनी पड़ती है, मेरे को उतना सलाह दूंगा कि जरा बातें भी ऐसी वैलिड करो कि जो लोग भी समझ सके उसमें कुछ दम है। ये तो बहुत ही कोई मतलब, क्या संस्थाओं को लेकर उनका ये प्रश्न है कि क्या सेना से लेकर ब्यूरोक्रेसी में हर जगह RSS की सोच वाले लोगों को धीरे धीरे आप एक जगह दी जाए? एक नाम बता सकते हैं? ये उनका आरोप है। नहीं, उनको बोलो कि कौन सा RSS का एक नाम तो बताओ। यानी बेबुनियाद आरोप करना, RSS का एक है कि वो जवाब नहीं देते, उनकी कोई वो मीडिया पर्सन नहीं है, प्रवक्ता, वो रात को TV पर बोलो आपको क्या लगता है, वहाँ कोई है नहीं, तो कोई भी ये जो बातें होती है ये बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल है, इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन अब जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाए सर, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि यही काट है, और सीट शेयरिंग को लेकर भी अब चर्चा चल रही है। देखो, जब BJP के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार बनेगा, कसौटी नहीं होगी, चुनौती बड़ी ये नहीं होगी। सब बातें इसलिए हो रही है कि BJP और NDA बहुत मजबूत हुई है, और हम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। इस मानसिकता में सब दुर्बल लोग एक जगह इकट्ठा है, मरता क्या नहीं करता, ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी है कि एक आदमी जब दिवाला पिटता है तो नया बोर्ड लगाता है, वो बोलता है नए बैंक में जाता है, डायरेक्टर बदलता है, ये पुरानी कंपनी को दूर करता है, उसी ज़मीन पर नया बोर्ड लगाता है, नया दुकान लगाता है। तो पहला दिवाला पिटने के बाद नया बोर्ड लगाया,
ये कितने भी बोर्ड लगाएं, कितने भी नए दुकान डालें, आखिर जो जिस प्रकार से देश में विकास का काम हो रहा है, देश आगे जा रहा है, देश विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है, इकोनॉमी बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, तो निश्चित रूप से एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए का शासन आएगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, और अब लगातार अपोजिशन में रह रहे हैं। अपोजिशन में रहने में भी कलेजा लगता है, हिम्मत लगती है। मैं रहा हूँ, डंडे खाने पड़ते, पुलिस के मोर्चे निकलते थे, मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करता था, बहुत तकलीफ होती है। अब वो बेचारे थक गए, इसलिए जो जिनके विचारों में तालमेल नहीं, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, जो एक के साथ बैठ के चाय नहीं पीते थे, वो हमारे शक्ति के कारण, ताकत के कारण, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अपोजिशन यूनिटी, हमारी शक्ति बढ़ गई, इसलिए ये मरता क्या नहीं करता वाले सब साथ आके एक हो रही, हमारी ताकत का लक्षण है। और हम भी ऐसे लोग हैं, अरे एक हो जाओ सब लोग और लड़ लो हमसे। ये ताकत ईडी सीबीआई वाली तो नहीं है? नहीं नहीं आप देखिए, जो पाप करेगा वो भुगेगा, अगर जिसमें कुछ है नहीं तो वो क्यों तकलीफ में आएगा। पर पाप वाले सारे तो इधर आके सब धुल जा रहे हैं। देखिए राजनीति में ऐसा होता है, कह रहे हैं बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा है, वॉशिंग मशीन इको फ्रेंडली साबुन है। देखो राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, ये तो बातें होती ही रहती है। आप जनता पार्टी से देखो, उसके पहले से देखो, 47 के बाद देखो, तो ये चलते ही रहता है। पॉलिटिक्स ए गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, और चुनाव में जीतने की राजनीति जो होती है वही इम्पोर्टेंट होती है, और जो जीतता वही सिकंदर होता है। तो कभी ना कभी अलायंस में पार्टनर लेने पड़ते हैं, लोग आते हैं, ताकत बढ़ानी पड़ती है। हम भी हमारे अलायंस की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार, ये दावा है कांग्रेस पार्टी का, नाना पटोले और जो वहां पर सदन में भी कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने आरोप लगाया है कि अजीत पवार ने ऑफर लिया बीजेपी से, पुणे में एक उद्योगपति के घर में वो शरद पवार से मिले और ऑफर दिया कि आपको कृषि मंत्री बनाएंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे, आपकी बेटी को भी मंत्री बनाएंगे, आप साथ दे दीजिए। शायद नाना पटोले के पास कुछ प्रूफ होगा, उनको कुछ खास जानकारी मिली होगी। मेरा आजकल मुंबई में जाना बहुत कम होता है, और जिस दिन अजीत पवार मिले उस दिन वो चांदनी चौक का पुणे में इनॉग्रेशन हुआ मेरे डिपार्टमेंट का, तो मेरे बाजू में ही बैठे थे। तो एक समृद्धि महामार्ग पर रोड सेफ्टी का ऑडिट करके एक रिपोर्ट दिखाना था देवेंद्र जी को और अधिकारियों को, एक मीटिंग बाजू में होटल में रखी थी। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं साहब को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं क्या उनके साथ बातचीत हुई बाद में। मेरा आजकल मुंबई जाना भी कैसे कम होता है। तो आप कभी शरद जी से गुफ्तगू करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं, इतने में नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में कभी मिलते हैं, कोई काम होगा रोड वगैरह का तो मेरे यहाँ उनका डेलीगेशन लेके आते रहते हैं। पार्लियामेंट की बात हुई सर, तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने बहुत घेरा, संसद का काम 10-12 दिन नहीं चला, उसके बाद आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर उनका ये दम है कि हमने जीत हासिल की, हमने पीएम को बाध्य किया कि वो संसद में आकर मणिपुर पर बोले। मुझे एक बात बताइए, मणिपुर का विषय गृह मंत्रालय के संबंध में है और अमित भाई चर्चा करने के लिए तैयार थे, उन्होंने लिखित रूप में कहा था, और इतना ही नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी पार्लियामेंट में दिया। अगर अमित भाई के जवाब के बाद प्रधानमंत्री कभी भी बोल सकते हैं, पर हमको आपसे नहीं प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, और प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो हम उनको बोलने नहीं देंगे, ऐसी राजनीति कैसे चल पाएगी। और ये मुझे लगता है कि ये बात पहले भी हो सकती थी। मैं तो कहूँगा विपक्ष ने कम से कम 10 दिन का नुकसान किया देश के लोकतंत्र का, और कारण न होते हुए काम नहीं होने दिया, इसके लिए वो जिम्मेदार है। 2024 के चुनाव के पहले राम मंदिर, G20 का आयोजन, क्या इसका भी चुनावी प्रचार में इस्तेमाल होगा? और तीसरा UCC, तीन मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी एक। देखिए हर सरकार लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते रहती है। हमारे कार्य का, हमारे कामों का परिणाम कभी अच्छा होता है, एक आधे बार बुरा होता है, और 5 साल के बाद जनता इस बात का ऑडिट करती है कि ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट इनका करने के बाद इन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। तो हम तो कोई साधु संन्यासी नहीं है, हम चुनकर आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं।
अब हमारे काम करने के पीछे हर चीज़ का संबंध राजनीति से नहीं है, हम देश को अच्छा आगे ले जाना चाहते हैं और हमारे कार्य में हम राजनीतिज्ञ है, तो पॉलिटिकल पार्टी में कोई हमने पार्टी थोड़ी छुपाई है। और हमारे कार्य में जो भी कुछ करेंगे उसका मूल्यांकन जनता की अदालत में होगा, और अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो लोग वोट देंगे, नहीं किया तो बदलेंगे, ये उनका अधिकार है। तो ये हर चीज़ को चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है ये अप्रस्तुत है। अभी मैं तो आपको सच बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे देश के लिए काम करने का मौका मिला है, और कम समय में, जैसे फास्ट फूड वाली बात होती ना, मैं कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, लोगों का जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे सुखमय हो, यह हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात होती है जो भूटान के प्रधानमंत्री ने की। तो आज हमें ज़रूरत है कि हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी, रोजगार, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हम सब क्षेत्र में लोगों को राहत कैसे दें, लोगों का जीवन आनंदमय कैसा करें। और इसी के लिए लोगों ने हमको चुन कर दिया है, हम अच्छा काम करते रहेंगे, करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हमने किया कि नहीं यह जनता की अदालत में देखने का काम लोगों का है, अगर सही लगेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप तो संघ से भी जुड़े रहे हैं और नागपुर में ही आप हैं, तीन मुद्दे जो सबसे पहले राम मंदिर, 370 और यूसीसी पर नितिन गडकरी जी की सोच क्या है? देखो लाना चाहिए, ये सब विषय जो होते हैं ये पार्टी लेवल पर इसके निर्णय होते हैं, और हमारी पार्टी की डिसिप्लिन है कि पार्टी में जब तक निर्णय नहीं होते हैं तब तक उस विषय पर जाहिर रूप से कोई चर्चा नहीं करता। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, उसके बारे में राम, प्रभु रामचंद्र इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक थे, और उनका जहाँ जन्म स्थान था वह भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये बीजेपी और संघ की नहीं, ये देश की जनता की सार्वत्रिक भावना थी, आज हो रहा है। 370 के बाद आज कश्मीर में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप केवल एक ही काम करो कि मैं कश्मीर में 1,00,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, आप केवल उसको देखने के लिए जाओ, कश्मीर में कितना विकास हो रहा है, टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, रोजगार कितना बढ़ रहा है, कश्मीर के लोगों को कितने अच्छे तरीके से विकास प्रक्रिया में IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स सब खुल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन, मैं कभी कभी बहुत बार कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और हमारा हर जगह पर हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट अगर होता है तो जरूर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक भावना नहीं है, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, और हम इसको कैसे बदल सके, इसको आगे कैसे ले जा सके, इस देश को विश्व की शक्ति कैसे बना सके, इसी भाव से काम करते रहते हैं। और राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारा धंधा नहीं है, राजनीति हमारे लिए देश सेवा का व्रत है। हम कोई साधु संन्यासी नहीं, अपना घर परिवार बच्चे सब देखते हैं, उसके बाद समाज के लिए, देश के लिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने मुंह ऊपर करके चेहरा कह सकता हूँ, है कोई कहने वाला कि 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार हुआ तो? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं नैतिक रूप से वो कह सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कह सकता। और ये इसीलिए भावना ये है कि हम देश के लिए काम कर रहे, समाज के लिए काम कर रहे, गरीब के लिए काम कर रहे, और यही भाव है, यही मोदी जी का भाव है, यही भाजपा का है, और यही हमारी सरकार की भावना है। हैप्पीनेस इंडेक्स की अभी आपने बात की थी, क्या देश में वाकई लोग बहुत खुश हैं, या फिर आपको लगता है कि विचारधारा में लोग बहुत बटे हुए हैं? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, सबका यही कहना है कि, राहुल गांधी तो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, कह रहे देश को बहुसंख्यकवाद की राजनीति करके आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है। देखिए पहली बात तो ऐसी है, हमने 9.5 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए, क्या हमने डिस्क्रिमिनेट किया किसी को, हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, कोई कोटा किया? सबको दिया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों लोगों को घर दिए, क्या हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया? आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए का रिलीफ दिया, हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया? हमने रोड बनाए, मैं तो सब पॉलिटिकल पार्टी के 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोले, और हर पार्टी के MP ने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया, क्योंकि हमने कभी राजनीति नहीं की, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो आज मुझे बताइए कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि हमने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया? हमने एजुकेशन में जितना बड़ा एम्स खोले, डॉक्टर बन रहे, मेरिट पर एडमिशन हो रही, नौकरियां लगी, मेरिट पर लगी,
हमने जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति हमें मान्य नहीं है। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में हैं, और केवल बातों में नहीं, हम प्रत्यक्ष कृति में हैं। एक बात जरूर है, हमारी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, वैचारिक मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए, और उसी आधार पर हम चल रहे हैं। तो मतभिन्नता हो सकती है पर मतभेद नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, किसी को डिस्क्रिमिनेट न करते हुए सबका विकास होगा, सबको न्याय मिलेगा, यही हमारा प्रयास। आपने कहा सारे सांसद आपको धन्यवाद करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी पर ज्यादा फोकस है, जहां जहां ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र, वहां वहां पर गडकरी जी का ज्यादा ध्यान रहता है सड़कों पर, सड़कों के निर्माण पर, क्योंकि उससे आपको फिर आप जनता चलेगी तेज। आप एक काम करो ना, पूरे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का इंटरव्यू करो, और एक भी निकलेगा। और मेरे एक बड़े आश्चर्य की बात होती है, जो आते हैं वो बोलते हैं, मैं जाता हूँ ना राज्यों में, तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, गहलोत भी कहते होंगे, बाकी कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, वो बोलते हैं नितिन गडकरी ने सबसे ज़्यादा हमारे राज्यों को दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वही कहते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वही कहते हैं, सब जगह मैं जाता हूँ वो राज्य बोलता है मुझे, अभी अरुणाचल वाले वही कहते हैं। एक अच्छी बात है, वो मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि सभी राज्यों के, इवन दिल्ली में, अब केजरीवाल जाहिर क्या बोलते पता नहीं, पर 65,000 करोड़ के काम मैं दिल्ली के आजू बाजू कर रहा हूँ। 65,000 करोड़ मेरे पास लिस्ट है, मैं देके जाऊँगा आपको, और एक एक काम ऑडिट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ, जहाँ जहाँ आवश्यक, पंजाब हरियाणा, अब पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पूछो, जाओ पंजाब वाले किसी को पूछो, जिस जिले में जाए, कहीं भी जाए, सब जगह रोड बन रहे हैं। तो आप भेदभाव नहीं करते? हाँ बिल्कुल नहीं। बीजेपी में रहते हुए आपकी सबसे बनती भी है, ये आपकी ताकत है या कमजोरी है? देखिए मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा अपना एक स्वभाव अच्छा है कि बुरा है, जो अच्छा लगता है वो खाता हूँ, जो पहनना है वो पहनता हूँ। पहले पैंट शर्ट पहनता था, जैकेट पहनता था, तो मुझे लोग बोलते थे, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे कहने लगे कि ये पैंट शर्ट तुम पहनते हो, ये देखो तुमको अगर देश का नेता बनना है तो तुम धोती पहनो या पैजामा कुर्ता पहनो। मैंने बोला जो है वो पहनूंगा, देश को मानना है तो नेता माने, नहीं तो नहीं माने। तो मैं ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के कारण नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मैं कोई ऐसा राजनीतिक इतना विचार भी नहीं करता। मैं एक्चुअली सही बताऊँ, मैं 80% सामाजिक काम करता हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हुई नहीं, और मुझे ऐसी राजनीति, राजनीति का आप एक बताइए, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति यानी लोकनीति, धर्मनीति, बृहत्तर राजनीति, राजकारण यानी राष्ट्रकारण, समाज कारण, विकास कारण और सेवा कारण। गांधी जी ने जब राजनीति की बात की तो उन्होंने कहा देशभक्ति, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना, ये राजकारण था। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स को आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स, ये नहीं है। पॉलिटिक्स यानी लोगों की सेवा करना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, दैट इज़ द ट्रू मीनिंग। आप जैसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम दैट वी नीड टू रीडिफाइन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और ये सेवा का काम करना, यही राजनीति है, और मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ। लाल किले से पीएम ने 15 अगस्त को कहा है कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं तो हमें ही चुनकर आने वाले हैं, काम के दम पर। हाँ बिल्कुल, या इको फ्रेंडली साबुन और बुलडोजर के? नहीं, काम के भरोसे आएंगे, काम के भरोसे आएंगे, उसमें सबसे आगे आपका मंत्रालय रहेगा, ये आप तय करेंगे। मैं ना कभी कोई एडवर्टाइजमेंट छापता हूँ, ना कोई मेरा पीआर है, ना मैं कुछ करता हूँ, मैं सही करूँ गलत करूँ। अभी मैं मजाक में कह रहा हूँ आपको, मैं आ रहा था यहाँ से, एनएचआई का रोड शुरू होता है, ये ब्रिज के बाजू में पानी अटका था, तो मैं आपके अवतारों को, तो जाओ फोटो निकालो और ये एनएचआई के नाली जाम हुई है करके लिखो ताकि ये जागेंगे। मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि ये पानी क्यों अटका हुआ है। देखो जो अच्छा होगा उसका सपोर्ट करो, जो देश और समाज के लिए गलत हो रहा है उसका विरोध करो, और आपका काम है कि जनता के हित को प्राधान्य देना। और मीडिया ऐसी है कि लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा है, उसमें मीडिया एक है, लेजिस्लेटिव विंग, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव विंग। और लोकतंत्र में आपका काम है, जो अच्छा करेंगे तो सपोर्ट करो, गलत करेंगे तो विरोध करो। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जब कोई हमारे विरोध में लिखता है, तो हमारे यहाँ मराठी में वो कबीर के भजन की एक उसका ट्रांसलेशन था कि निंदका से घर असावे शेजारी,
यानी निंदा करने वाले व्यक्ति का घर अपने नजदीक होना चाहिए ताकि हम सजग रहते हैं। निंदक नियरे राखिए। 303 आप लोग बहुमत से आए थे पिछली बार, इस बार सीट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कैसे? फिर सारे साथियों को ढूंढ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनडीए में जो ये 38 का दम भर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं ऐसी ऐसी पार्टियां उन्होंने एनडीए बनाया। हाँ। तो हम भी अपना साथी जोड़ रहे हैं। देखो एक तो बात सच है कि इसके बाद की राजनीति दो अलायंस में होने वाली है। अब उन्होंने सब एक हुए तो हम भी अपने साथ साथ लोगों को ले रहे हैं। फाइनल सीटें दीजिए ना सर, जिसके साथ हम कार्यक्रम का आपके साथ के इंटरव्यू का अंत करें। फाइनल सीटें आपको कितनी लग रही हैं आ जाएंगी इस बार? इस बार जितनी मिली थी उससे 15-20-25 ज्यादा ही मिलेगी, मतलब 325 के आसपास। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और वही प्रधानमंत्री होंगे। सिर्फ उनके चेहरे पे होगा या काम पर होगा? हम ऑलरेडी यहाँ तक आए काम पर आए, और काम करने वाला चेहरा यानी मोदी जी है, इसलिए उनके नेतृत्व पे आए। नितिन गडकरी जी, आप आज तक के मंच पर आए और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी। अगला कार्यक्रम हमारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ होने वाला था, लेकिन कुछ विशेष कारणों से उनको मीटिंग में जाना पड़ा है, इस वजह से वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं।